नमस्कार, सुप्रभात। तो हम कल चर्चा कर रहे थे रीतिकाल, और हम पढ़ रहे थे बिहारी। बिहारी में श्रृंगार सौंदर्य पढ़ रहे थे, और श्रृंगार में हमने पढ़ा था, कहत नटत रिचत खिचत मिलत लज्जिया बरे पवन में करत है नैनन शोभा। उस पर चर्चा कर ली थी हमने। हम आगे चलते हैं। आगे देखना, निसी अंधियारी नील पट्टो चली पी है गे है, क्यों दुराए क्यों दुरे क्यों दुरे, दीप शिखा सी दे है। क्या कहना चाहते हैं बिहारी जी? निसी अंधियारी नील पट्टो चली पी है गे है, क्यों दुराए क्यों दुरे दीप शिखा से दे है। अपने प्रीतम से मिलने के लिए रात निसी अंधेरी रात में अपने प्रीतम से मिलने के लिए नायिका जाती है, उसी के संदर्भ में ये बताया है। तो क्या बताते हैं बिहारी, क्या कहते हैं? अंधेरी रात नीले कपड़े पहने हुए काले कपड़े पहने हुए चली पी है गे है, अपने प्रीतम के से मिलने के लिए चली, यानी अभिसार करने के लिए गई। क्यों दुराए क्यों दुरे, छिपाने से छिपता नहीं दीप सिका सी दे है, जो उनकी देह की कांति है, देह का जो रूप सौंदर्य है वो दीप सिका सी है, दीपक की लो के समान है, वो छिपाने से कैसे छिप सकता है। तो सुनो गौर से, निसी अंधियारी अपने प्रीतम से मिलने के लिए नायिका अभिशाप करने के लिए जाती है, क्योंकि लोकलाज के कारण वो रात अंधेरी रात में नीले कपड़े पहन के अपने प्रीतम से मिलने के लिए गई। क्यों पहने नीले कपड़े काले कपड़े क्यों पहने? क्योंकि उस पात्र को कोई देखने नहीं, क्योंकि समाज कभी मान्य नहीं करता कि कोई पात्र किसी पात्र से वैसे ही मिले, समाज ये मान्य नहीं करता। तो नायिका ने क्या किया, नीले कपड़े पहने अंधेरी रात को अपने प्रीतम से मिलने के लिए गई। तो समझ में आया? तो क्या बताते हैं बिहारी जी, देखो गागर में सागर भर दिया, एक एक शब्द में एक एक शब्द देखो कितना गहराई दिए हुए हैं। मैंने कल बताया था ना कि सत सैया के दो है जो नाविक के तीर, देखण में छोटे लागे गाव करे गंभीर। तो क्या बताया, क्यों दुराए क्यों दुरे, छिपाने से नहीं छिपता, क्या नहीं छिपते, दीप सिका सी दे है, उनकी जो देह है उनकी शरीर की जो आभा है उनकी शरीर की जो कांति है वो छिपाने से नहीं छिपी। और वैसे ही पता चल गया कि नायिका अभिसार करने के लिए किसके पास गई है, अपने प्रीतम के पास गई है। तो देखो किस प्रकार से बिहारी ने एक छोटे से शब्द में कितने शब्द भर दिए, गागर में सागर भर दिया, कि अंधेरी रात में अपने प्रीतम से मिलने के लिए गई, और क्या पहने, काले कपड़े पहने हैं प्रीतम से मिलने के लिए गई है। तो बिहारी जी क्या कहते हैं, क्यों दुराए क्यों दुरे, छिपाने से नहीं छिपता दीप सिका सीधे है, उनकी शरीर की जो कांति है उसके शरीर का जो आभा है वो छिपाने से नहीं छिपती। इसी संदर्भ में आगे क्या कहते हैं बिहारी जी, देखो ये आप साथ साथ में लिखते रहा करो, सांस लिखते नहीं तो आपके पास रीतिकालीन कवि का जो पुस्तक है वो होनी चाहिए, या इससे लगाव बना रहेगा। तो आगे क्या कहते हैं बिहारी जी, एक आवती चली जात छह सात तक हार एक आवती चली जात छह सात तक हाथ सभी हिंडोरे सी रहे। देखो गौर से,
चटे हिंडोरे सी रहे लगी उशासनु उशास लगे उशासनु साथ। ये वियोग और संयोग में कवि ने व्याख्या बताना चाहते हैं। यहाँ संयोग में अपने प्रिय पात्र पास में होते हैं, वियोग में विछड़न होती है, अलगाव की स्थिति होती है जिसमें तड़प व्याकुलता बेचैनी बढ़ती है। तो कवि क्या कहना चाहता है, इत आवती चले जात छह सात तक हाथ चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उषा समोसा। अपने प्रीतम से अलग होने पर एक नायिका की किस प्रकार से दशा होती है उसका बड़ा ही सूक्ष्म यहाँ पे वर्णन किया है कवि ने। बताना चाहता है कि अपने प्रीतम से बिछड़ने के बाद में कैसी उसकी दशा हो जाती है। अपने प्रीतम को वो अपने श्वास श्वास में ही स्मरण करती है, उसका उसे का ही ख्याल रहता है। तो ऐसी दशा में जब प्रीतम दूर चला जाता है तो उसकी दशा है वो दुगली हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तो क्या कहते हैं बिहारी जी कि एक आपकी चली जा छह सात तक हाथ। जब नायिका अपने वियोग में अपने प्रीतम की याद आती है तो दीर्घ श्वास लेती है, दीर्घ श्वास लेती है, लंबी सांस से भरती है वियोग में। तो क्या बताते हैं, इत आवती चली जात छह शतक हाथ। जैसे श्वास लेती है, एक श्वास लेती है, छह हाथ और सात हाथ आगे चली जाती है, उसी प्रकार दूसरा श्वास आता है तो दूसरे श्वास में सात और आठ हाथ आगे पीछे चले जाते हैं। तो किस प्रकार से उदाहरण के तरफ से बताया, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, जिस प्रकार से कोई झूले पर झूलता है, एक बार ऊंचा जाता है एक बार नीचा आता है, उसी प्रकार नायिका वियोग में, नायक के वियोग में नायिका की दशा है वो इस प्रकार से हो जाती है। तो एक सखी अपनी सखी के बारे में बताती हुई कहती है कि प्रीतम के वियोग के कारण किस प्रकार से दशा होती है। एक आवती चली जात छह सात तक हाथ। जैसे ही अपने प्रीतम की याद आई, याद तो बनी रहती है सदैव, उसी पात्र में लीन रहता है, रत रहता है, क्योंकि जो पात्र इस पात्र से स्नेह करता है वो कभी नहीं चाहता कि मैं अपने पात्र से अलगाव की स्थिति में आऊं। और अलगाव की स्थिति में आते हैं तो ये दशा होती है। क्या बताएं, इत आवती चली जात, जैसे ही प्रीतम की याद आई और याद आने के बाद में उस नायिका ने उस प्रीतम का दीर्घ श्वास लिया, लंबी सांसें भरी, आहे भरी। तो क्या बताया, जिस प्रकार से श्वास लिया तो छह सात हाथ आगे चली गई और दूसरा श्वास आया तो पीछे, यानी कि धक्का लगा। जिस प्रकार से एक झूले पर कोई व्यक्ति बैठता है, कोई नायिका बैठती है, किस प्रकार से झूला ऊपर जाता है नीचे आता है, उसी प्रकार से इस नायिका की दशा हुई। तो इस प्रकार से एक एक शब्द है कागज में सागर भर दिया बिहारी ने। तो इस का से आप अध्ययन करोगे। आगे देखते हैं क्या कहना चाहते हैं कि यतिन नायिका का जो वियोग दशा होती है, वियोग में लिखा है एक जगह जायसी ने, किसने लिखा है जायसी ने कि खन में पेट में आवे एक समस्या, खन पेट में आवे एक सांसा। देखो कि जैसे ही प्रीतम की याद आती है और उसी की याद में कहते हैं कि पेट में श्वास है वो एक बार आता है, वैसे श्वास की गति तो नियंत्रण चलती रहती है। देखो यहाँ पर कवि ने किस प्रकार से वर्णन करते हुए कहते हैं कि खन पेट में आवे एक श्वासा, खन जाई होई निराशा। क्या बताया, खन जाई कोई निराशा। जैसे एक श्वास आया, सखियां पास में बैठी है प्रीतम की वियोग में, वो तड़पित है, व्याकुल है, बेचैन है। जैसे ही एक पेट में श्वास आया, दूसरा आने के बाद में वापिस जाने के बाद में वापिस भी आएगा ना, तो वापिस आने के इंतजार में सखियां देखती है कि एक बार श्वास तो पेट से गया है, खन जाई हुई निराशा, वापिस श्वास आएगा कि नहीं आएगा। तो एक जगह बताया ना ब्यारी कहते हैं, ये जायसी कहते हैं वियोग दशा के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि तब ते हार पहाड़ ते लागत, अब बीच आन पहाड़ परे। कहते हैं कि नायिका का जो हार है
जो श्रृंगार का साधन है क्या है, हार। अब तो हार पहाड़ते लगत, जो हार है वो क्या बन गया है, योग में पहाड़ बन गया है। देखो जैसे ही हार, हार का जो वजन है वो सहन कौन नहीं कर रही है यहाँ पे, नायिका, क्योंकि नायिका इतनी दुबली पतली इतनी क्या हो गई है, क्षीण हो गई है, जो किसका वजन सहन नहीं कर रही है, हार का। अब देखो जिसका ये दशा हो जाती है उसको तड़प कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, व्याकुलता कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बेचैनी कहते हैं। ऐसी जब पैदा हो जाएगी तब कोई पात्र मिल पाता है, ऐसा अचानक नहीं मिल पाता, उसके लिए अपने आप का समर्पण करना पड़ता है। मैंने कल ही बताया था कि अति सुदोष नेह को मार्ग है, अगर ये प्रेम का जो मार्ग है ये सीधा मार्ग है, छल कपट नहीं है, ऐसा होता है उसके वियोग में ऐसी दशा हो पाती है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आया प्रेम कहाँ गया, देखा सब कोए, पल में हंसे पल में रोए, ये तो प्रेम न होए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रयोग प्रेम में सदैव ही व्याकुलता बेचैनी बनी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेम कहते हैं। इसी प्रकार से आगे भक्ति से संबंधित व्याधि का जो दुआ है वो देखना कि जप माला छापा तिलक करे, जप माला छापा तिलक करे, सरे न एको काम, सरे न एको काम, मन नाचे मन नाचे वृथा, सांचे रांचे राम। देखना कि जप माला छापा करे तिलक करे, शरण एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। तो क्या बताना चाहता है यहाँ पे बिहारी ने, किस पे बताया है, पाखंड पर, पाखंड जो ढोंग होता है उस पे क्या किया गया, कभी क्या करना चाहते हैं, व्यंग्य करना चाहते हैं कि दिखावापन, हम क्या करते हैं, दिखावा, दिखावा पे नहीं, यहाँ पे स्वार्थी लोग होते हैं उन पे भी बिहारी ने क्या किया है, स्वार्थी लोगों पर भी एक व्यंग्य किया है, ये बताया है। जप माला छापा तिलक करे, सरे न एको काम, मन नाचे वृथा, सांचे राचे राम। जप करने से, माला फेरने से, माथे पे तिलक लगाने से एक ही काम सिद्ध नहीं होता। अगर ईश्वर को चाहते हैं, ये भक्ति संबंधी बिहारी का पद है, तो क्या कहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना है तो इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर मिलता है। तो एक दिन तुलसीदास जी ने कहा है, बोले भाव मिले रघुराई, बोला भाव होगा तो ईश्वर मिलेगा, बोले भाव मिले रघुराई, मन की सच्चाई पे है, मन की पवित्रता से है, मन निर्मल होगा, पाप होगा, तभी वो चीज आएगी, ईश्वर निवास करेगा, मन की सच्चाई पे है ये बातें। तो इसी प्रकार इसमें बताया है कि किसी पात्र में हम कोई वस्तु रखते हैं तो पात्र क्या होना चाहिए, साफ स्वच्छ होना चाहिए, साफ स्वच्छ के बिना वो चीज़ हम डाल नहीं सकते। तो ईश्वर है, मालिक है, वो सत्ता है, वो देखो वो कैसे आ सकती है, साफ बर्तन में ही वो निवास करेगी। तो कहते हैं ना, ये जो अपना जो पंच भौतिक शरीर है इसको क्या होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, पाक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तब ये चीज़ें मिल पाती है। तो कभी यहाँ पे अपने बिहारी क्या कहना चाहते हैं, देखना गौर से, जप माला छापा तिलक करे, जप करने से, माला फेरने से, तिलक लगाने से क्या नहीं होता, एक ही काम नहीं आपका सिद्ध होता। तो क्या बताए हैं, जप, ये गुरबाणी में आता है ना शब्द, क्या आता है जप के बारे में, देखना गुरबाणी में गुरु नानक साहब जी फरमाते एक जगह कि जप माला क्या कहते हैं, जप तप और जुतराई उजड़ भरने रह ना पाई, जप तप और जुतराई उजर बरने रह न पाई, बिन बुझे बिन ठा ना पाई, नाम होने माथे छाई। जप तप इनको कुछ नहीं, कोई नहीं कहता,
आगे तो कहते हैं ये सब क्या है, उजड़ रस्ते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, मन की जो निर्मलता है, मन की पवित्रता है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्यारे जी क्या कहना चाहते हैं, जप माला छापा तिलक करे सरे ना एको काम। जप करने से, माला फेरने से, छापा तिलक लगाने से एक काम सिद्ध नहीं होता। तो क्या कहते हैं, मन नाचे आपका मन है, देखो बात आई ना यहाँ पे, मन नाचे वृथा आपका मन काबू में नहीं है। और आप कहाँ नाच रहे, सांचे राचे राम, और आप किसको प्राप्त करना चाहते हो, राम की तो नहीं होगा किसी। सुनो ये जो मन है ना, ये मन जब ये आपका मन क्या आ जाएगा, आपको काबू आ जाएगा, आपके बस में हो जाएगा, तो सब चीजें आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी ने कहा था एक दिन, देखना कि जो ये मन है ना, इसको कहीं ना कहीं अच्छे काम में लगाए रखो। अच्छे काम में लगाए रखोगे ना तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। एक जगह किसी ने कहा था कि ये जो मन है ये टिकता नहीं है ना, तो ऐसा कर एक बांस गाड़ ले। क्या कर ले, बांस गाड़ ले इस मन को के चट और उतर, चट और उतर। ये मन आपके काबू आ गया, सारे काम आ जाएंगे। इस मन को कहीं ना कहीं अच्छे काम में लगाए रखो। तो मन नाचे वृथा, आपका मन नाचता फिर रहा है, तो फिर आपको क्या नहीं मिलेगा, राम नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से बताया है, जप माला छापा तिलक करे, है ना, क्योंकि ये जो भक्ति का जो मार्ग है ये बड़ा ही कठिन मार्ग है। कहते हैं तलवार के धार पे दामनों है, ये जो तलवार है इसकी धार है उस पे चलना है। तो एक जगह कहते हैं भक्ति के बारे में बताया, एक जगह क्या कहते हैं कि भक्ति मार्ग सांकरा, भक्ति का जो मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वो बड़ा ही सांकरा है, संकुचित क्षेत्र है। समझ रहे हो ना कि भक्ति मार्ग सांकरा, राय दसवें बाई, राय का कौन सा भाग है, दसवां भाग है। देखो सरसों से भी छोटी होती आकार में राय। तो भक्ति का जो मार्ग है वो क्या बताए, बड़ा ही संकुचित मार्ग है, इस मार्ग में चलना बड़ा टेढ़ा है। तो क्या बताए, भक्ति मार्ग सांकड़ा, राय दसवें भाई, मन तो मंगल हो रहे हो कैसे रही समाई। ये जो मन है, यहाँ पे ही बात मैं कहना चाहता हूँ, मन यहाँ मन आया, यहाँ पे भी मन है। ये जो मन है ये तो हाथी बना पड़ा है। देखो ये भक्ति के मार्ग में मन क्या बना पड़ा है, हाथी बना पड़ा है। तो हमें आगे किस प्रकार से चल पाएंगे, तो इसी प्रकार से बिहारी जी ने भक्ति के मार्ग में बताया है। तो मन तो मैंगल हो रहे हो कुकर रही समाई, मन है आती है तो वो किस प्रकार से समाएगा। भक्ति का जो मार्ग है वो तो संकुचित मार्ग है, उस पे चलना, और वो तो किसके भाग है, राय के दसवां जो भाग है उसी के समान है, मन तो हाथी बना पड़ा है। इसी प्रकार से बिहारी आगे का जो पद है उसमें बताना चाहते हैं, क्या बताए कहना चाहते हैं, तो लगी या मन सदन में हारी आवे की ही बात। कहते हैं इस जो घर में, सदन में, घर में ईश्वर कैसे आएगा, किस रास्ते आएगा। कोई चीज है, अपने कहीं जाते हैं, कोई मार्ग होता है, रास्ता होता है, वहीं से जाते हैं, तो ईश्वर हृदय में निवास करेगा, किस प्रकार से करेगा। तो कहते हैं शरीर में कैसे आएगा, निपट लगे विकट लगे, निपट खुले ने कपट कपाट। हमारे हृदय के अंदर तो कपट के कपाट लगे हुए हैं, बड़े बड़े किवाड़ लगे हुए हैं, तो किस प्रकार से अंदर विराजमान होगा। जब हृदय अपना निर्मल हो जाएगा, पाक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो ईश्वर अंदर आएगा, सब अंदर से ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली सब निकल जाए, तब अपने अंदर ईश्वर आ पाएगा, अन्यथा नहीं आ पाएगा। एक जगह गुरबाणी में आता है ना कि बिसर गई सब तात पराई, तब ते साथ संगत मोही भाई।
बिसर गई सबे तात पराई, तब ते साथ संगत मोही भाई, नहीं कोई बेरी नहीं कोई बेगन ना, सगली जन थम करी आई। हमारे अंदर तात पराई ईसा द्वेष सब मिट जाता है, तब हमारे अंदर क्या आता है, ईश्वर आता है। बिसर गई सब तात पराई, तब तेज साथ संगत मोहि भाई, नहीं कोई बेरी नहीं कोई बेगाना, समदृष्टि हो जाए, ये जो अंदर की जो दुई की भावना है ये निकल जाए, तब हमारे अंदर ईश्वर विराजमान होता है, अन्यथा नहीं होता। तो क्या कहते हैं, या लगी या मन सदन में हरि आवे की ही बात, मेरे अंदर ईश्वर कैसे आएगा, किस रास्ते से आएगा, क्योंकि अंदर जो कपट के लोग कपाट लगे हुए हैं, कपट मैंने बताया था ना, ये कपट है, जब तक अंदर से कपट नहीं निकलेगा, ईर्ष्या नहीं निकलेगी, निंदा नहीं निकलेगी, जब हमारा हृदय निर्मल नहीं होगा, पाक नहीं होगा, तो हम ईश्वर आने की सोच भी नहीं सकते, किस प्रकार से आएंगे, कौन से रास्ते से आएंगे। उसके लिए हमें पहले हमारा हृदय निर्मल होना चाहिए, पाक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। किस प्रकार से पूरा का पूरा पाक होगा हृदय, तब हमारे अंदर उस ईश्वर आ सकता है। मैंने पहले बताया था हृदय साफ होना चाहिए, क्योंकि एक जगह तुलसीदास जी ने लिखा है ना, बोले भाव मिले रघुराई, पहले बताया था मैंने, बोले भाव मिले रघुराई। जब हमारा हृदय एक बालक के समान पवित्र हो, छोटा सा बालक होता है, कोई पता नहीं होता, किस बात का ही नहीं होता, ईश्वर प्राप्ति करनी है ना, छोटा बालक बन जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। बालक में कोई ऊंच नीच है ना, कोई भेदभाव नहीं होता, हमारे अंदर तो दुई की भावना भरी पड़ी है। तो क्या कहते हैं, भोले भाव मिले रघुराई, ईश्वर मिलता है, भोले भाव से मिलता है, उसके अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहे जप माला छापा कर लें, तिलक लगा लें, सब कुछ कर लें, लेकिन हमारे हृदय के अंदर क्या है, कपट है ना, तो ईश्वर आ ही नहीं सकता। देखो, क्योंकि हमारा मन कहाँ नृत्य करता है, चारों तरफ से व्यर्थ ही नाचता फिरता है। वो एक जगह कबीर ने लिखा था, आपको पता है, तो पिछले साल बताया था मैंने, कि माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मन तो चारों दिशा फिरे, ये तो सिमरण नाही। कहते हैं माला तो कर में फिरे, कर का मतलब हाथ, माला हाथ में फिरती है और जीभ मुख में फिरता है। तो क्या कहते हैं, मन तो चारों दिशा फिरे, मन कहाँ फिरता है, चारों दिशा में फिरता है, देखो है ना, ये तो सिमरण नाही। एक जगह लिखते हैं कि माला मुझसे लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोहे, मल माला के फेर से गुर से मेला हुए। कहते एक जगह कभी जी कहते हैं कि माला मेरे से लड़ पड़ी, कहते क्यों हाथ में ले रखा है, मल माला के फेर से गुरु से मेला ना हुए। ये माला फेरने से ईश्वर नहीं मिलता, क्योंकि हमारा जो मन है ये कहाँ नाच रहे धरते कर रहे स्थान नाते साते रहे, हमारा मन है वो वही नृत्य कर रहा है, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर मैंने बताया था ना, ये लगी या मन सदन में हरि आवे की ही बात, हमारे हृदय के अंदर किस प्रकार से ईश्वर आ सकते हैं, किस कौन से रास्ते से आ सकता है, क्योंकि हमारा जो कपट रूपी कपाट है इतने मजबूत लगा रखे हमने, अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। पहले आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के जो किले होते थे, गढ़ होते थे, उनके आगे जो बड़े बड़े जो किवाड़ थे वो होते थे, पैरादार बैठे रहते थे। इसी प्रकार यहाँ भी हमारे पैरादार कौन से हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये हमारी मिट्टी पीलित करते हैं, हमें ईश्वर की ओर क्या करते हैं, उन्मुख, ईश्वर की ओर जाने नहीं देते, हमें उनके अग्रसर होने नहीं देते, क्योंकि ये तो हमारे दुश्मन है। तो इसी प्रकार से इसमें बताया, तो आगे हम देखते हैं, एक जगह आगे बताते हैं, प्यारी जी देखना लिखा एक जगह कि मत्तु प्यास पिंजरा, मत्तु प्यास पिंजरा परे हो सुआ समय की फेर की फेर, मत्तु प्यास पिंजरा परे हो सुआ समय समय की सुबह समय की फेर, आदर दे दे बोलियत
आदर दे दे बोलियत बायस बलि की बे ये सब में अवसर के बारे में बताया है। क्या कहना चाहते हैं? मृत्यु प्यास पिंजरा परियो सुमा समय की फेर आदर दे दे बोलियत वायस बलि की बे। एक समय आता है कि समय में जो सुआ होता है तोता होता है उस तोते की भी कदर नहीं होती और किसकी कदर होती है यहाँ पर बायस यानी कौआ की क्या होती है कदर होती है। समय समय की बात होती है कि एक प्यासा पड़ा है पिंजरे में। एक समय ऐसा आता है भोजन नहीं मिल पाता किसको नहीं मिल पाता यहाँ तोते को देखो। और ऐसा भी समय आता है आदर दे दे बोलिए आदर के साथ हम बुलाते हैं श्राद्ध पक्ष में किसको कौवा को है ना। तो क्या बताए मृत्यु प्यास पिंजरा परियो सुआ समय की फेर आदर दे दे बोलिए तो बास बलि की बेर। समय अवसर जो समय है वो क्या है महान है। समय पे ही सब कुछ मानता दर्शाई गई है। एक समय आता है कि सुआ पिंजरे में प्यासा भूखा प्यासा तड़फड़ा होता है उसको कोई संभालने वाला नहीं होता और इससे ये कौवा होता है जो पत्र होता है उसको आदर के साथ बुलाया जाता है यहाँ पे और साथ में भोजन इसको श्राद्ध पक्ष का खिलाया जाता है। तो इस प्रकार से ये आप साथ साथ में लिखा करो साथ साथ में याद रखा करो क्योंकि ये जैसे जैसे अपने उठते बैठते चलते फिरते ये तो ऐसे हैं याद हो ही जाते हैं थोड़ा थोड़ा देखेंगे याद हो जाएगा तो अपने इसमें हम काफ़ी बड़ी उपलब्धि पा लेंगे। और साथ में क्या है कि जैसे पहला जो वीडियो देखा उसके बाद में दूसरा वीडियो देखा अपने कंटिन्यू बनते जाएंगे ना तो आगे ये तात्पर्य बन पाएगा। हमने थोड़ा सा देख लिया फिर नहीं देखा फिर आगे का देख लिया तो इस प्रकार से यानी कि अपने आप को क्या करना पड़ेगा बांधना पड़ेगा। देखो जब तक आप अपने को बांधोगे नहीं बांधने का मतलब बैठना पड़ेगा है ना। बैठोगे एक जगह लिखा है ना कि बैठोगे तो सुख पाओगे। अगर आप बैठोगे इसको देखोगे इसको पढ़ोगे हाथ में आपके पास रजिस्टर होना चाहिए पेन होना चाहिए आगामी इस प्रकार से पढ़ते जाओगे तो सुख पाओगे। तो इस प्रकार से आज बस इतना ही। घर पर रहिए सुरक्षित रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे इसको शेयर कीजिए लाइक कीजिए। थैंक यू।